अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए ताकि आप देख पाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइटेक रिव्यूज़। और आज हम करने वाले एक नए प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग, जो कि है Xiaomi की एक ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक। और इसको बाय किया है हमने gearbest.com से, क्योंकि इंडिया में अभी ये प्रोडक्ट जो है अवेलेबल नहीं है Xiaomi का। बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में हमें सारी डिटेल्स जो है चाइनीज़ में देखने को मिलती है। इसके अलावा बॉक्स काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें मिलती है एक ये सेल्फी स्टिक। इसके अलावा हमें मिलता है इसमें ये यूज़र मैनुअल, जो कि चाइनीज़ में है और हमारे किसी काम का नहीं है। इसके अलावा बात करें तो एक छोटा स्मॉल बॉक्स हमें और मिलता है इसमें। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। तो दोस्तों, इस बॉक्स में हमें मिलता है एक ये छोटा स्मॉल ब्लूटूथ बटन, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसको हम जो है अपनी सेल्फी स्टिक में इजीली यहाँ पे माउंट कर सकते हैं या इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें अगर सेल्फी स्टिक की, तो ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, कहीं बहुत प्रीमियम लुक में आता है। इसके अलावा काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप ईजिली इसको जो है अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। काफ़ी स्मॉल साइज़ है ये। और इसके हेड की बात करें तो इसका हेड जो है 360 डिग्री आप इसको रोटेट कर सकते हैं ईजिली। ये देखिए, यहाँ पे आप इसको किसी भी एंगल में आराम से अपना फ़ोन लगा के रोटेट कर सकते हैं। और काफ़ी स्ट्रेचेबल है, मतलब आप इसमें 4 इंच से लेके 6-6.5 इंच तक का फ़ोन जो है आराम से फिट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस ब्लूटूथ बटन को आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं बाहर से निकाल के आप चाहें तो। इसके अलावा बात करें इसके चार्जिंग के लिए, तो चार्जिंग के लिए हमें यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है और काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी हल्का साइज़ है ये। और इस सेल्फी स्टिक को जो है आप एज ए मोनोपॉड भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, आप इजीली इसको जो है दूर से आप स्टैंड करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिमोट बटन आपके हाथ में है, आपको उसके पास रहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप दूर से ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको जो है हम अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको हमने अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया है और फ़ोन को हमने अपने सेल्फी स्टिक पे ऊपर माउंट भी कर दिया है। ये Redmi Note 3 फ़ोन है, जो कि 5.5 इंच का है। तो आप देख सकते हैं ईजिली काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पर फिट हो गया है ये। और बात करते हैं अगर सेल्फी स्टिक की लेंथ की, तो इसकी लेंथ तकरीबन 20 सेंटीमीटर की है। और ये देखिए, बटन को मैंने यहाँ माउंट कर दिया है, इसके ब्लूटूथ बटन को। और आप चाहे तो इसको निकाल के भी अलग से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कैमरा ऑन किया है और मैं आपको अलग से इसकी फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। रिमोट बटन अभी मेरे हाथ में है और देखिए, मैं वहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और काफ़ी ईजिली और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, पिक्चर जो है साथ के साथ जो है क्लिक कैप्चर हो रही है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग को भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप चाहें तो यहीं से इसको पॉज भी कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप वीडियो या तो स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, बीच में आप उसको पॉज नहीं कर सकते। इसके अलावा और इसमें कोई भी फोन मुझे नहीं दिखा है। और इस तरीके से आप देखिए, आप इसको ईजिली एज ए मोनोपॉड भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, या आप ग्रुप सेल्फी लेना चाहते हैं, काफ़ी बड़ा ग्रुप है आपका, तो आप इसको दूर से आराम से इजीली इसमें जो है रिमोट बटन के थ्रू आप वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी दूर से मैंने अभी इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है और यहाँ से हम अब जो है, अब मैं आपको एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। ये देखिए, बस बटन क्लिक कीजिए और आपकी फ़ोटो जो है कैप्चर हो जाती है।
कोई भी डिले नहीं है यहाँ पे कि आपको होल्ड करके रखना है काफ़ी देर तक। आप इजीली जो है फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपके फ़ोन में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है तो भी आप इससे काफ़ी अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं इस मोनोपॉड के थ्रू, और इसको कैरी करना भी बहुत ईजी है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रोडक्ट को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन है, आप वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग राइट टेक रिव्यूज़।